डेली फाइव प्रीवियस क्वेश्चन डी फाइव पीक्यू में आपका स्वागत है। उष्मा चालकता का बीमा का बीमाएं हैं डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ हीट इज। तो इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट में डी एच बाई डी टी के ए डी टी बाई डी एक्स। देखिए इसका निकालना है आपको के का कितना होगा डी एच इंटू डी एक्स डी टी इंटू ए इंटू डी टी कैपिटल। देखिए ये के का निकालना है तो डी एच इंटू डी एक्स हो जाएगा और ये नीचे चला आएगा आपका कितना हो जाएगा। देखिए हीट एनर्जी है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल, ये थिकनेस है और ये टाइम है, ये टी होगा एरिया है तो एल स्क्वायर होगा इंटू और ये देखिए चेंज इन टेम्परेचर है केल्विन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए के का कितना हो जाएगा, एम अकेला है, अब देखिए एल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा एक एल बच रहा है, टी माइनस थ्री हो जाएगा के माइनस वन होगा ऑप्शन नंबर एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर तीन सही है। कह रहा है कि व्यंजक एम एल टी माइनस वन निरूपित करता है एक्सप्रेशन एम एल टी इनवर्स रिप्रेजेंट्स। तो आप देखिए यहाँ पर संवेग का जैसे यहाँ पर तोड़ भी सकते हैं एम एल टी इनवर्स, तो ये हो गया आपका मास है यहाँ पर और ये देखिए वेलोसिटी क्या है तो एम वी, ये पी हो जाएगा रेखीय संवेग या संवेग यहाँ जो दिया हुआ है देखिए। अब नेक्स्ट देखती है अगला क्वेश्चन। देखिए ए के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है परसेंटेज एरर ऑफ ए इज, तो देखिए जो एरर होता है वो आपका परसेंटेज जो चेंज होता है सेम होता है एकदम, तो एकदम आप देखिए चेंज बटा ओरिजिनल इनटू 100, देखिए डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है दूसरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि द्रव्यमान एवं चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि होगी। इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली देन परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको देखिए ऐसे लिखेंगे डेल के बाई के इंटू 100 और ये देखिए ये सब को छोड़ देते हैं हम लोग जो कॉन्स्टेंट टर्म है डेल एम बाई एम इंटू 100 और टू डेल वी बाई वी इंटू 100। अब देखिए ये दिया हुआ है आपका मास में कितना परसेंट है 2% और प्लस 2 × 3% यहाँ दिया हुआ है देखिए तो हो जाएगा आपका 2% प्लस 6% ये हो जाएगा आपका 8%। देखिए यहाँ पर तो त्रुटि निकल गया आपका काइनेटिक एनर्जी में कितना त्रुटि होगा 8% हो जाएगा। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और यदि वेक्टर आर का मॉड इजकल टू वेक्टर ए का मॉड इजकल टू वेक्टर बी का मॉड तो ए और बी के बीच कोण। इफ वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड इफ मॉड आर वेक्टर आर इजकल टू मॉड वेक्टर ए इजकल टू मॉड वेक्टर बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए यहाँ ये तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन का शर्त है ये और यहाँ अगेन गिवन दैट ये दिया हुआ है आपको। तो जब भी अगर इस तरह के प्रश्न में आपको मिल जाए कि आर का मॉड ए का मॉड बी का मॉड अर्थात दो वेक्टर तो सेम हो मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट जो आ रहा वो भी सेम है तो इसके लिए आप डायरेक्ट बना लीजिएगा ट्रिक से एकदम 360/3 120 degrees अर्थात ए और बी के बीच में कितना कोण बनेगा 120 डिग्री बनेगा। आप इसको फिगर के द्वारा दिखा सकते हैं और समझिए ऐसे एकदम इस तरह जो है कि यह आपका अगर मान लीजिए कि ए एक्स है मैग्नीट्यूड में 120 अगर बनाएंगे आप ये अगर 120 हो 120 एक्स है तो ये आपका देखिए ये भी आएगा आपको एक्स ही तो ए हो गया आपका ए एक्स बी हो गया और ये आर भी देखिए सेम आएगा
तो हमेशा याद रखना है कि अगर a बराबर b बराबर r हो तो आपको डायरेक्ट जो है कि 120 डिग्री बताना है। देखिए इसको हम लोग दूसरा मेथड से करके देखते हैं। सिंपली हम लोग करते हैं, तो जैसे ट्रेंगल ऑफ एडिशन है तो आप लिख दीजिए r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, और यहां पर क्या हो जाएगा r इक्वल टू a इक्वल टू b, अगर दिक्कत हो तो x मान लीजिए, नहीं तो ए सबके जगह a सबके जगह b या सबके जगह r भी रख सकते हैं, या आप तो तीनों के बदले x रख सकते हैं। तो x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर 2xx 2x स्क्वायर cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos अल्फा हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, और ये होता है अल्फा 120 डिग्री का, अल्फा 120 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है। ओके okay।